हेलो गाइस, तो आज हम अपने चैनल की तरफ से आपके लिए लाए हैं एक मूवी रिव्यू जो कि है मूवी रोल प्लीज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। जी हाँ, आपने सही सुना, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। मैंने ये मूवी देख रखी है। तो डिस्क्लेमर भाई लोग, ये स्पॉइलर से भरी वीडियो है, तो अगर आपका प्लान थिएटर जाके मूवी देखने का बनता है तो इस वीडियो को सोच समझ के देखें, क्योंकि ये आपका मजाक खड़ा कर सकती है। हमने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही सबसे पहली बात, इस फिल्म का विलन सबसे खतरनाक दर्शाया गया है और ये इन्फिनिटी स्टोन के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। इस मूवी में हमको पता चलेगा कि गमोरा, हाँ सही सुना, गमोरा जो कि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में मेन लीड की हीरोइन है, वो थैमस की बेटी है। आप सही सुन रहे हैं, थैमस की बेटी पर सौतेली। ये पहला स्पॉइलर मेरी वीडियो का। इस फिल्म में हाफ ऑफ हीरोज मर जाते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, इसमें से आधे से ज्यादा हीरोज मर जाते हैं, जिनके नाम हैं बकी द विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, ग्रूट, स्कारलेट विच, फाल्कन, मैंटिस, रेक्स, स्टार लॉर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन। इन सब के मरने पे कोई ज्यादा इमोशन नहीं आता, पर स्पाइडरमैन के मरने पे I still love you. और हमारे बाकी बचे हुए हीरोज, आयरन मैन, नेब्यूला, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हल्क, वॉर मशीन, मबैको, रॉकेट, ये सारे हीरोज हमारे इस फिल्म में बचे हुए दिखाए गए हैं। इस फिल्म में मेन आयरन मैन और थॉर ही हैं जिन्होंने थैमस को हाथ लगाया या फिर थोड़ा सा बहुत मारा है। इस मूवी में आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा? इस मूवी में आयरन मैन का नया सूट, स्पाइडर मैन का भी नया सूट, कैप्टन अमेरिका की ट्रायंगुलर शील्ड और थॉर का नया ब्लेड, ये सब आपको नए चीजें दिखेंगी जो इन्हें यूज कर रहे हैं। हल्क स्टार्टिंग में थैमस से मार खाते हुए दिखता है, उसके बाद ब्रूस बैनर वापस हल्क नहीं बन पाता, अफसोस। उसे लड़ने के लिए हल्क बस्टर का यूज करना पड़ता है। इस मूवी का एक फैक्ट, इसमें ब्लैक विडो के बाल सफेद हो जाते हैं, कैप्टन थॉर की दाढ़ी कॉपी कर लेता है और थॉर कैप्टन की हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है, उसके बाल छोटे हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ही लोकी को मार दिया जाता है थैमस के द्वारा, वो एक टेसरेक्ट की डील करता है, अपनी चलाकी दिखाता है और टपक जाता है। जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि विजन का स्टोन निकाल लेते हैं पर तब नहीं निकालते, विजन ही है जिसके पास आखिरी तक माइंड स्टोन रहता है। एक तरीका टोनी स्टार्क निकाल लेता है जिससे कि थैमस को रोका जा सके, पर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी का लीडर स्टार लॉर्ड उसे फेल करा देता है। इसमें आपको हॉकआई और एंटमैन दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेनली इस फिल्म में ग्रूट को दिखाया जाता है कि वो दिन भर गेम खेल रहा है, पर आखिरी में उसका ही हाथ थॉर के ब्लेड का हैंडल बनता है। आखिर में जब स्कारलेट टाइमस्टोन डिस्ट्रॉय कर देती है तब सारे सोचते हैं वाह हम जंग जीत गए, पर नहीं, थैमस के पास टाइमस्टोन रहता है जिसके कारण वो वापस टाइम रिवाइंड करके टाइमस्टोन हासिल कर लेता है और तभी एक चुटकी बजा के सब हीरोज को मार देता है। चलो अब मैं बता देता हूँ कितने प्रकार के इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और किस किस के पास, लगभग जितना मेरे को पता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले वो पावर स्टोन हासिल करता है, वो पता नहीं कहाँ से, वो डायरेक्ट दिखाते हैं बस उसके पास है। उसके बाद टेसरेक्ट जो कि स्पेस स्टोन है, वो लोकी को मार कर करता है। रियलिटी स्टोन, सोल स्टोन जो घमोरा को कुर्बान कर कर देता है। टाइम स्टोन लेता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से। माइंड स्टोन वो लेता है विजन से। मेरे हिसाब से सारी ऑडियंस यही सोच रही होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी स्टोन इतनी आसानी से क्यों दे दिया, पर इस कारण से उसने पहले ही बता दिया था कि जब उसने 1,40,605 बार, ये एकदम करेक्ट नंबर है, अलग अलग तरीके से देखा कि वो थैनोस से कैसे लड़ सकते हैं, पर उसमें से सिर्फ वो एक बार जीते हैं और शायद ये टाइम स्टोन थैनोस को देना ये उसका एक पार्ट है। आगे के हम स्टोरी देखेंगे, लगता है हम अवेंजर्स 4 में देखें जो कि अभी 2019 में आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एक्सट्रीम फिल्ममेकर्स को। बाय बाय।